मॉम ये भी कहती है कि बड़ा सेल्फ मेड बंदा वो तो। कौन? बाबर। सेल्फिश भी बंदा है वो, नजर आया ना आपको? 80 बोलों पे 50 टीम के किसी खाते में है, वो वाला डायलॉग है। प्रोग्राम तो बढ़ गया ना, फिर ये प्रोग्राम बढ़ गया वाकई, हमारी पूरी टीम बल्कि बढ़ गई है। यकीन जन मैं आपको बताऊं, कहीं भी हम जब मैच हार के रात को सोते हैं तो फील होता है यहाँ तो हम जाहिल हैं, हम इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारा हिसाब वो है कि मुल्क मिला तो बंजर, टीम मिली तो कंजर, सारी की सारी टीम कंजर है। वो 150 की स्पीड पे उसका इतना बॉल नहीं घूमता, वो शेनवरी दिया पहली बॉल पे चौका लगे उसको पहले नो ओवर, आपको टेंशन वो आपको खुद स्कोर देगा टीम के मामलात के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे हमारे बाकी इदारों का ये हाल है, क्रिकेट पे भी कहीं ना कहीं उसका असर है थोड़ा बहुत, बल्कि काफी हद तक, जिसकी वजह से जो नेपोटिज्म का एक जो चक्कर है ना वो यहाँ भी चल रहा है पीसीबी में। एक वक्त में हम पाकिस्तान का कंपैरिजन किया करते थे इंडिया के साथ, मगर अब वो वक्त आ चुका है कि लोग कह रहे हैं बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन बनता है, अफगानिस्तान के साथ बनता है, इंडिया जैसी जो है ना वर्ल्ड क्लास टीम के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्या वजह है? नहीं ऐसी बात तो नहीं है, पाकिस्तान टीम कभी कभी इतनी अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस भी दिखाती है कि वो इंडिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमों से तुक्का लग जाता है ना, तुक्का लग जाता है उनका कभी कभी, और ऐसा शानदार लगता है कि जो बड़ी बड़ी टीमें होती हैं वो भी हैरान रह जाती हैं। ये हम तो पाकिस्तान वालों को इस्तकबाल करने के लिए जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, लाहौर एयरपोर्ट, हम कहते हैं यार इधर ही आ जाएं बस और ना खेलें, और अभी भी उम्मीद है जो यार कहीं ना कहीं हम फाइट बैक करके वापस इन हो जाएं। जब इंडिया की टीम का कैप्टन था विराट कोहली, तो तब उसकी परफॉर्मेंस देख लें आप, विराट कोहली के बिल्कुल स्कोर नहीं था, क्योंकि विराट कोहली तो तब भी लेजेंड ही था, तभी वो इतने रिकॉर्ड्स बना कर वो लेजेंड, जब आप अगर आप वो जो साल उसने खेले हैं ना एज अ कैप्टन खेले हैं, अगर आप वो साल देखें तो उसमें उसमें उससे नहीं था आ रहा परफॉर्म। 2019 का वर्ल्ड कप के बाद आप देख रही हैं विराट कोहली से बिल्कुल परफॉर्म नहीं, उसके बाद उसने जो लास्ट वर्ल्ड कप गुजरा उसमें एक सेंचुरी स्कोर की, उसके बाद वो फॉर्म में आ गए, आप देख किंग है शर्ट, शर्ट आपने पाकिस्तान की पहनी हुई है, और क्या करें अगर उनमें गैरत मर गई, हमें तो थोड़ी मरी है, हम हमारी मजबूरी हमारा पाकिस्तान है, अगर इस पे पाकिस्तान का नाम लिखा हो तो अम्मी को कहना था इसको पकड़ो पोछे पे लगाओ और सफाई करो, ये इस लायक रहेगी, उन चवलों को पहनाई हुई है हमने, जी हमारी 150 स्पीड और 132 में हम अफगानिया का आउट कर रहे हैं यार, और हमने मुकाबला किसका करना चाहिए, इंडिया से दोबारा सेमीफाइनल में जीतना है, और यार आप इनसे तो जीत लो। आपने देखा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो विराट कोहली की परफॉर्मेंस थी और अफगानिस्तान के अगेंस्ट जिस तरह बाबर आजम ने खेला, और प्रीवियस मैचेस में भी आपने देखा कि बीइंग अ कैप्टन बाबर की परफॉर्मेंस क्या रही है, क्या एनालिसिस कर रहे हैं? वेल डन बाबर आजम, बाबर आजम ने दिल जीता है हमारा, बाबर आजम से जो तवक्को थी वो उस पर पूरा पूरा उतरा है, हमारे एनालिटिक्स जो थे हमारे जो उसके बारे में सोच थी वो पूरा उतरा है, क्योंकि जितना विराट कोहली ने एक मैच में किया उतना विराट ने बाबर हमारे ने टोटल पूरे वर्ल्ड कप में किया, तो हम किंग है ना हमारा, देखे ना किंग ने पूरा अपना हक अदा तो करना है, जितना वो स्टैंड पे खड़ा होता है विकेट पे खड़ा होता है तो मैच जितवा के जाता है हमारा, मैच को मैं अल्फाज वो इस्तेमाल नहीं करता, काम लगवा के जाता है, जब किंग है हमारा। शर्ट, शर्ट आपने पाकिस्तान की पहनी हुई है, और क्या करें अगर उनमें गैरत मर गई, हमें तो थोड़ी मरी है, हम हमारी मजबूरी हमारा पाकिस्तान है, अगर इस पे पाकिस्तान का नाम लिखा हो तो अम्मी को कहना था इसको पकड़ो पोछे पे लगाओ और सफाई करो, ये इस लायक रहेगी, उन चवलों को पहनाई हुई है हमने, जी हमारी 150 स्पीड और 132 में हम अफगानिया का आउट कर रहे हैं यार, और हमने मुकाबला किसका करना चाहिए, इंडिया से दोबारा सेमीफाइनल में जीतना है, और यार आप इनसे तो जीत लो। और मैं आपको वो हिसाब है कि मेरे बस में नहीं, वरना कुदरत का लिखा कार्ड था कि मैं सारी टीमों को बाहर निकाल देता, नेपाल नेदरलैंड और जिम्बाब्वे को भेज देता कि भाई हमारी टीम से वर्ल्ड कप खेलो, बाबर ने अभी 100 नहीं किया हुआ, उन्होंने 100 करना है, वर्ल्ड अब हमारी किस्मत बुरी है कि नेपाल नेदरलैंड और ये वो क्या उसे कहते हैं नेपाल और जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे खास तौर पे गई नहीं है वर्ल्ड कप में, वरना बाबर का 100 आपने देख लेना था, बाबर भाई बहुत लेजेंड बैट्समैन है, लेकिन आगे टीम अफगानिस्तान जिम्बाब्वे हो ये, अब तो अफगानिस्तान भी भाई देखो क्या कर गई, कंपैरिजन तो हम हमेशा इंडिया से करते हैं, फिर हम उनके मुकाबले में खेल क्यों नहीं सकते, तो हमारे एक्सीडेंट भी तो हुए पड़े ना, हमारी दैनिक तवाजन भी तो नहीं ना ठीक, हमारे अटैक भी तो कमी, आपके वहां भी तो फिर ऐसी जाहली पैदा हुई है ना, आपका बनता है इंडिया से कंपैरिजन, कोहली की 78 सेंचुरीज हैं और ये बाबर का कंपैरिजन कर रहे होते हैं,
यार मेरे में जो वो पाकिस्तानी मिले मैं यकीन उनको थप्पड़ मारूंगा यार, आपको इतनी शर्म नहीं आपको उस प्लेयर से कर रहे हो कि वो विकेट पे खड़ा हो जाए तो वो मैच खत्म करके जाता है और ये मैच जैसे विकेट पे ऐसा कोई मां ने नेश पैदा किया हुआ है ऐसा किंग हमारे लिए। जब से टीम से आए हैं हम कौन सा फॉर्मेट बड़ा जीते हैं मुझे बताएं। सरफराज की कप्तानी में 2017 वाला जीता, उसके बाद जलालत पे जलालत जलालत पे जलालत, जी बाबर ये कर देगा वो कर देगा ये बाबर ने किया। हमारे कैप्टनसी और बैटिंग में भी टॉप ऑर्डर इसको दिया जाता है तो क्या वजह है अभी तक इतनी फेवर्स मिल रही हैं इसको? भाई पर्ची सिस्टम है, आप पर्ची पे जिए आप इंजॉय करें मुझे मारे ये क्या है। पाकिस्तान में वो कहते हैं कि इंग्लिश दा दी पंजाबी दा दा जिथे लग दोथे ला, जे दा लगा हुआ है आपके जब जानने वाले अच्छे हों किसी का अगर कोई मामा चाचा है चेयरमैन रहा है तो वो आज भी ऐनक पहन के खेल रहा है। लेकिन आवाम ये भी कहती है कि बड़ा सेल्फ मेड बंदा वो तो। कौन बाबर सेल्फिश भी बंदा है वो नजर आया ना आपको 80 बोलों पे 50 टीम के किसी खाते में है वो वाला डायलॉग है। प्रोग्राम तो बढ़ गया ना, फिर ये प्रोग्राम बढ़ गया वाकई, हमारी पूरी टीम बल्कि बढ़ गई है यकीन जान। मैं आपको बताऊँ कहीं भी हम जब मैच हार के रात को सोते हैं तो फील होता है यहाँ तो हम जाहिल हैं, हम इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ये हमारा हिसाब। वो है कि मुलक मिला तो बंजर, टीम मिली तो कंजर, सारी की सारी टीम कंजर है। वो 150 की स्पीड पे उसका इतना बॉल नहीं घूमता, वो शेनवरीद पहली बॉल पे चौका लगे उसको पहले नो ओवर, आपको टेंशन नहीं वो आपको खुद स्कोर देगा और ये नंबर वन बॉलर है हमारा। हमारा शदाब की जहाँ से उसामा मीर को लाया वो उससे बड़ा डायलॉग, और वो उसको ले वो उससे बड़ा चपल, वो भी नहीं, उसामा मीर भी नहीं चला, शदाब भी नहीं चला, एक हमारा चाचू चाचू आया तो बाकी सारी टीम को क्या गटर में फेंक दे। वालेकुम सलाम, क्या नाम आपका? अब्दुल बारी। अब्दुल बारी, अब्दुल बारी इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक जो है वो वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या राय रखते हो वर्ल्ड कप को लेके? पाकिस्तानी टीम को अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सी टीम आपको लगता है कंपैरिजन में सही बैठेगी पाकिस्तान के कंपेयर में? पाकिस्तान के कंपेयर में तो मुझे लगता है बांग्लादेश ही बैठेगी जो इस टाइम परफॉर्मेंस हमारी चल रही है। आज भी आपने देखा जिस तरह से अब अफगानिस्तान आउट क्लास खेल रहे हैं, अभी तक 130 हो गए और कोई आउट नहीं है। हम तो पाकिस्तान वालों को इस्तकबाल करने के लिए जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, लाहौर एयरपोर्ट, हम कहते हैं यार इधर ही आ जाएं बस और ना खेलें। और अभी भी उम्मीद है जो यार कहीं ना कहीं हम फाइट बैक करके वापस इन हो जाएं, क्योंकि अगर ये मैच हम हार गए तो हम तो बाहर हो जाएंगे डेफिनेटली वर्ल्ड कप से। व्हाट अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम? इंडियन तो इस टाइम ऑन द टॉप जा रही है, टेबल की टॉप पे जा रही है। उनकी जिस तरह परफॉर्मेंसेस चल रही है, बैट्समैन बॉलिंग, उनके टेल एंडर भी छक्के मारते हैं, हमें तो ये हम कहते हैं जो उनके डगआउट में प्लेयर बैठे वो ही हमें भेज दें ताकि हम भी कुछ मुकाबले में वापस आ जाए, हम भी कुछ परफॉर्म कर सकें, क्योंकि जो उनके डगआउट में बैठे हैं वो भी इतने आउट क्लास प्लेयर हैं जो हमारे जो खेल रहे हैं प्लेयर उनसे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जिस तरह आज बाबर आजम, हमें खुशी ये है कि आज बाबर आजम ने स्कोर किया, जिस तरह वो ट्रोल उन पे ट्रोल हो रहा था। हाँ आज विकेट बहुत डिफिकल्ट विकेट थी, जिस तरह फ्लैट विकेट पे वो नहीं चले वो अलग बात है, हर प्लेयर पे बैड टाइम आ जाता है। विराट कोहली ने भी ये अपना टाइम 3 साल का गुजारा है, अब बाबर आजम को तो एशिया कप वर्ल्ड कप दो इवेंट्स हुए जो बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, पर आज जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया इतनी टफ विकेट पे और वर्ल्ड क्लास स्पिनर, मैं कहता हूँ जो अफगानिस्तान की जो स्पिन डिपार्टमेंट है इस टाइम उनका मुकाबला कोई भी टीम नहीं कर सकती। जिस तरह अफगानिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट है उस टीम वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड में इस टाइम उसका मुकाबला नहीं है ये अफगानिस्तान की बॉलिंग का। पर बाबर आजम ने खेला, अच्छा खेला, हमें खुशी हुई है यार बाबर आजम ने। आपको खुशी हुई है बाबर आजम के खेलने पर? नो डाउट, पूरा पाकिस्तान जो है उनकी उम्मीदें एक दफा फिर से बहाल हो गई है। बट ऑन अनदर हैंड साइड जिस तरह से विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला और फिर बाबर ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट, कंपैरिजन करके बताएं जरा कौन छा गया कौन कहां जा रहा है? यार ऑब्वियसली बात है विराट कोहली तो एलियन ही मैं कहूंगा यार, वो प्लेयर वो बंदा एलियन है, वो इस मुझे इस दुनिया का लगता ही नहीं है, क्योंकि एक प्लेयर में इतनी खसूसियात तो मुझे तो नहीं लगता यार। विराट कोहली भी हमारा दिल है, बाबर आजम भी हमारा दिल है, जिस तरह हमारा दिल तो एक ही होता है, दो तो दिल नहीं होते कभी, बताओ जरा चूज करो। चलो बाबर आजम को हम दिल कह देंगे कि विराट कोहली को अपनी धड़कन कह देंगे तो अब हम क्योंकि हम वैसे ही सपोर्ट करते हैं जिस तरह बाबर आजम को हम सपोर्ट करते हैं, विराट कोहली को जो अच्छा खेलेगा यार हम उसे ऑब्वियसली बात है हम उसे सपोर्ट करेंगे। और विराट कोहली तो आइडियल भी है हमारे और बहुत सारे यंग जनरेशन की मतलब उम्मीदें भी हैं जो यार विराट को आइडियल है, विराट कोहली हमने विराट कोहली जैसा बनना है। तो विराट कोहली तो उनकी परफॉर्मेंस जो इस वर्ल्ड कप में चल रहे हैं, हाँ उनको थोड़ा सा एडवांटेज है अपनी कंडीशन का, जो वो पूरा टाइम IPL और अपने वो होम कंडीशन पे खेलते रहते हैं तो ये उनके लिए एडवांटेज है। पर नो डाउट विराट कोहली जिस तरह प्लेयर है तो विराट कोहली के मुकाबले का तो इस टाइम कोई भी नहीं है जो अब हम जिसके साथ विराट कोहली को कंपैरिजन करें। हाँ नो डाउट विराट कोहली रैंकिंग में थोड़ा पीछे है, पर जिस तरह से वो परफॉर्मेंस करते हैं उसको चेस मास्टर ऐसे तो नहीं कहा जाता ना। आपको पता है कल वो सचिन को बीट करने वाला था, अगर कल वाली सेंचुरी उसकी पाया तकमील तक पहुंच जाती न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो वो सचिन को पीछे छोड़ देता, टाई हो जाता दोनों के दरमियान। तो हम कभी भी जो है ना इस चीज को तो डिनाई कर ही नहीं सकते हैं कि विराट कोहली इज द बेस्टेस्ट प्लेयर।
ऑन अनदर हैंड साइड इफ वी सी अदर टीम ऑफ इंडिया, तो आप देखो विराट कोहली के अलावा जो उनके स्टार्टिंग प्लेयर्स भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, वो भी किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि उनके कंपैरेटिवली हमारे अगर टीम को देखा जाए तो प्रो मैक्स प्लेयर्स जिनको हम समझते हैं वो भी नहीं चल रहे इस दफा, क्या वजह? यार अब जिस तरह से उनका बैटिंग ऑर्डर है, जिस तरह रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा ऑब्वियसली बात है कितना पुराना प्लेयर है, वो सचिन तेंदुलकर सहवाग के हाथों से निकल के आ रहा है रोहित शर्मा और विराट कोहली। अगर हम अपनी टीम को देखा जाए तो हमारा तो सिर्फ बाबर आजम है जिन्होंने अपनी मेहनत पे खुद को बनाया है, वो तो किसी के हाथ से निकल के नहीं है। जब बाबर आजम था वो अकेला ही था हमारे पास, तो जैसे विराट कोहली को अगर हम कहें जो यार विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर और सहवाग के हाथों से निकल के आ रहा है, तो वो ग्रेटेस्ट प्लेयर है, गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता था तेंदुलकर को, रोहित शर्मा भी ऐसे है। पर जब बाबर आजम को हम कंपैरिजन करें उसका, बाबर आजम तो अकेला ही था, जब वो उन्होंने जब टीम संभाल लिया तो उनके पास तो सारी यंग टीम ही थी, उनके पास तो कोई सीनियर प्लेयर ही नहीं था, जो वो अपने बलबूते पे बने हैं। अब हम बाबर आजम को कंपैरिजन करें विराट कोहली के साथ तो विराट कोहली के साथ उनका इसलिए कंपैरिजन नहीं बनता, नो डाउट बाबर आजम की जो परफॉर्मेंसेज हैं 70% रिकॉर्ड इस टाइम बाबर आजम ने विराट कोहली के ब्रेक किए हैं, नो डाउट। पर विराट कोहली को चेज की तरफ से हम देखा जाए तो यार चेज मास्टर अगर जो प्रेशर में खेलता है वो विराट कोहली है, वो एक ही है, वो एक ही था और वो एक ही होगा, एक ही रहेगा। इन फ्यूचर अगर आपको मौका दिया जाता है किसी एक प्लेयर जैसी खसूसियात अपने अंदर लाने का तो वो कौन सा होगा? यार अब हम चाहते हैं यार बाबर आजम भी हमारा आइडियल है, पर विराट कोहली को भी मैं साइड में, मैं ए बी डिविलियर्स वाली खसूसियात अपने अंदर देखना चाहता हूँ। यार ए बी डिविलियर्स अगर मैं होता तो फिर क्या बात थी, फिर क्या ही बात थी। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम आपका? अरसलान। अरसलान, अरसलान आज का मेरा सवाल ये है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग जो कि शायद बनता नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है ये नहीं बनता तो फिर किस चीज का कंपैरिजन बनता है बाबर आजम के साथ और ऑन अनदर हैंड साइड विराट कोहली के साथ? देखें जी, दोनों प्लेयर अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, स्किलफुल हैं, लेकिन जिस तरह से विराट को ग्रूमिंग मिली हुई है, एक्सपोजर मिला हुआ है, उस तरह का ग्राउंड जो है वो अनफॉर्चुनेटली बाबर को मुयसर नहीं आ सका। मैं समझता हूँ अगर बाबर को वो कंडीशंस और वो सारे जो रिसोर्सेज हैं BICC लगाता है, वो किसी भी ने लगाए होते बाबर पे, तो बाबर उससे शायद कहीं बड़ा प्लेयर होता आज। लेकिन जहाँ पे दोनों फिलहाल परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर पे थोड़ा कैप्टनसी का प्रेशर भी है जिस वजह से वो अपनी इनिंग्स को उस तरह से बना नहीं पा रहे, लेकिन ओवरऑल ठीक है। आपने विराट कोहली को देखा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलते हुए 95 का स्कोर किया, उससे प्रीवियस मैचेस में भी देखा, ऑन अनदर हैंड साइड पाकिस्तान का मैच अफगानिस्तान के साथ आपने देखा, नो डाउट बाबर बहुत अच्छा स्कोर करके गए, इन दोनों की अगर परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करें तो किसको कहां स्टैंड करता देख? मैम देखें, विराट जो है वो मैंने आपको बताया स्किल भी उसकी अच्छी है और चेजिंग में वो किंग है, उस जैसा प्लेयर चेज करने में मैंने पाकिस्तानी टीम इतना डाउनफॉल का शिकार क्यों हो रही है दिन ब दिन? मैम देखें, उसमें बहुत सारे जो हैं वो अनासर हैं, उसके अंदर सिलेक्टिंग कमेटी भी और जो PCB के इंतजामी मामलात हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए टीम के मामलात के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे हमारे बाकी इदारों का ये हाल है, क्रिकेट पे भी कहीं ना कहीं उसका असर है थोड़ा बहुत, बल्कि काफ़ी हद तक, जिसकी वजह से जो नेपोटिज्म का एक जो चक्कर है ना वो यहाँ भी चल रहा है PCB में। एक वक्त में हम पाकिस्तान का कंपैरिजन किया करते थे इंडिया के साथ, मगर अब वो वक्त आ चुका है कि लोग कह रहे हैं बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन बनता है, अफगानिस्तान के साथ बनता है, इंडिया जैसी जो है ना वर्ल्ड क्लास टीम के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्या वजह है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, पाकिस्तान टीम कभी कभी इतनी अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस भी दिखाती है कि वो इंडिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमों से तुक्का लग जाता है ना, तुक्का लग जाता है उनका कभी कभी, और ऐसा शानदार लगता है कि जो बड़ी बड़ी टीमें होती हैं वो भी हैरान रह जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उस तरह से मतलब नजर नहीं आती ग्राउंड के अंदर कि वो कोई जंग लड़ने के लिए आए हैं, इस तरह से होना चाहिए ना, आप अपने पूरे कॉम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपका जो वहाँ पे एक एक कदम है, लम्हा है, आप जो गुजार रहे हैं उसको पूरी अपनी एनर्जी के साथ और जितनी भी आपकी स्किल्स हैं उनको शोकेस करें वहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लापरवाही के मुजाहरे बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं, तो इस वजह से विराट कोहली को लेकर क्या कहेंगे एज अ परफॉर्मर, एज अ क्रिकेटर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ मैन? He's a very good and he's a very good human being as well. बहुत अच्छे इंसान हैं, humble हैं, down to earth हैं, और बाबर भी ऐसे ही हैं, बस grooming की थोड़ी कमी है, थोड़े बोलने में वो थोड़ा awkward लगता है उनको सुनना, तो वो बात वहीं पे आ जाती है कि विराट को एक्सपोजर ज़्यादा मिला हुआ है, मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो इंगेज रहता है, उनकी जो मिसेज हैं वो भी शोबिज से हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा एज भी है उनको। चलें जी, मिसेज बढ़ा देते हैं, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम आपका? मोहम्मद अली जाद। मोहम्मद अली, सर आपका आज का मेरा सवाल ये है कि एक जानिब खेल रहा है बाबर आजम कैप्टेंसी लेकर पाकिस्तान की, और दूसरी जानिब विराट कोहली जो कल इतना अच्छा स्कोर करके गया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उससे पहले भी उसकी सेंचुरीज का रिकॉर्ड तो सचिन के सिवा कोई भी ब्रेक नहीं कर सका है, और कल भी अगर वो सेंचुरी कर लेता तो सचिन का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर देता। ऑन अनदर हैंड पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अगर देखें तो क्या राय रखते हैं?
अगर आप देख रही हैं बाबर आजम और विराट कोहली में कंपैरिजन कर रही हैं तो वो अभी नहीं बनता बिल्कुल, क्योंकि विराट कोहली के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक तो आप देख रही हैं कि बाबर आजम से परफॉर्म नहीं हो रहा क्योंकि वो जो इंडिया की हैं कंडीशन पे वो फर्स्ट टाइम खेल रहा है। अगर आप विराट कोहली को देखें तो वो स्टार्ट से खेलता आ रहा है, उसने सबसे पहले डोमेस्टिक खेली, उसके बाद आईपीएल वो यहाँ पे खेलता है, इन्हीं पिचेस पे खेलता है, उसको जो बेनिफिट मेन हो रहा है वो इन चीज़ों का हो रहा है। बाबर आजम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, इस वजह से उसको वो जो उसकी मेन है फॉर्म उसको लैक कर रहा है। चलिए मैं एक मिनट के लिए आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आप देखें ऑस्ट्रेलिया तो उस पिच पे नहीं खेलता रहा ना इंडिया की, वो भी 367 का टारगेट देके गया और पाकिस्तानियों से चेज नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया का अगर आप मैच इंडिया के खिलाफ देखें तो ऑस्ट्रेलियन सिर्फ 199 बनाए थे, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान का चेज देखें श्रीलंका के खिलाफ, तो पाकिस्तान ने भी 345 प्लस चेज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर्म देखें दोनों की, तो मतलब अगर वो एक मैच में लो थे तो अगले मैच में आप हुए हैं। पाकिस्तान भी अगर एक मैच में आप था, अगले मैच में लो हुआ है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो फर्दर मैचेज आ रहे हैं उनमें अच्छा परफॉर्म करेगा। चलिए वी आर वेरी मच होपफुल। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान हुआ है, अफगानिस्तान वो टीम है जिसको हम किसी खाते में ही नहीं गिनते हैं। मतलब अब हमारा जो है ना कंपैरिजन क्या ऐसी टीम से किया जाना चाहिए, एक वक्त होता था हम इंडिया से कंपैरिजन करते थे जो कि अब शायद नहीं बनता। अफगानिस्तान को आप जो ये जो आपने देखा जब उन्होंने एशिया कप खेला, एशिया कप में वो एक टीम ऐसी होती है जिनको आप मतलब बहुत इजी नहीं ले सकते। अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं जैसे आप देख रही हैं ओपनिंग कर रहा गुरबाज, तो वो यहाँ पे खेलता है आईपीएल खेलता है, उसके पास एक्सपीरियंस। अफगानिस्तान की जो अफगानिस्तान टीम ने बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊपर लेके आई है। अगर आप उनके स्पिनर्स देखें, उन्होंने आज जो क्या कहते हैं मुजीबुर रहमान ने अटैक किया है, उसके बाद जैसी बॉलिंग राशिद खान ने किया, और उन्होंने आज उन्होंने आज एक यंग स्पिनर खिलाया नूर अहमद की फॉर्म में, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बाबर आजम को बाबर आजम की विकेट ली है। तो जो मेन चीज़ उनको जो चीज़ उनको ऊपर लेके जा रही है वो उनकी बॉलिंग है, उसके बाद उनके बैट्समैन भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गुरबाज को देख रही है ओपनिंग कर रहा है, उसके बाद उसके साथ आप अगर आप देखें अगर आपको एंड पे बैट्समैन चाहिए तो उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बैट्समैन अभी वो आपके एंड पे जो स्कोर होते हैं पूरा करते हैं। आपको नहीं लगता कोहली की अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे उसका एक जगह फोकस होना है, जबकि पाकिस्तान में हमने बाबर आजम को कैप्टेंसी भी दी हुई और हम एक्सपेक्टेशंस भी उसी से लगा के बैठे होते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखें जब इंडिया की टीम का कैप्टन था विराट कोहली, तो तब उसकी परफॉर्मेंस देख लें आप, विराट कोहली के बिल्कुल स्कोर नहीं था, क्योंकि विराट कोहली तो तब भी लेजेंड ही था, तभी वो इतने रिकॉर्ड्स बना कर वो लेजेंड। जब आप अगर आप वो जो साल उसने खेले हैं ना एज अ कैप्टन खेले हैं, अगर आप वो साल देखें तो उसमें उससे नहीं था परफॉर्म। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद आप देख रही हैं विराट कोहली से बिल्कुल परफॉर्म नहीं, उसके बाद उसने जो लास्ट वर्ल्ड कप गुजरा उसमें एक सेंचुरी स्कोर की, उसके बाद वो फॉर्म में आ गए। आप देख रही हैं आप वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर है विराट कोहली, ठीक है। जो चीज़ उसको मेन वो एज अ बैट्समैन सिर्फ खेल रहा है, जो पाकिस्तान कैप्टन बाबर आजम वो एक साइड से अपनी जो क्या कहते हैं बैटिंग को लेके चल रहा है, एक साइड उसके कैप्टेंसी को लेके चल रहा है, इसकी वजह से वो ज्यादा बर्डनाइज है। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओ यार वल्ला आलम अब तो ये शर्ट पहनते डर लगता है कुछ चपेट ना मार जाएगा यार, तुम्हें शर्म नहीं आती पागल हो? सही समझते हैं लोग यार ये वाली शर्ट पहनी हुई है इंडिया, अगर पाकिस्तान में इंडियन शर्ट पहनने का डर ना होता तो मैंने दिल्ली पहनी थी अल्लाह की कसम, पूरे सपोर्ट करना था दिल से यार। ये ऐसी कंजेस्टेड माइंडेड कौम, ऊपर से कंजेस्टेड माइंड जी, मैं मैच हार गया विराट मुझे साइन शर्ट कर दो, अम्मी को भेजनी है आपने अपनी को साइन शर्ट करवा रहे हो, मैच तो जीत लो। मैं जनवन आपको बता रहा हूँ जितना अल्लाह की कसम, इस मैच से पहले विराट हमारे जो किंग हमारा किंग है जो सो कोल्ड किंग आप कह सकते हैं 84 रन थे उसके टोटल में, विराट 95 पे अपना मैच जीत के गया है। ये क्या है आपका कैप्टन, ये कैप्टन ऐसा है इसको दो इसके बॉलर पहले आप ओवर में स्कोर खा जाए, इसको बाद में समझ नहीं आती मैंने सर आगे बॉलर बॉलिंग किसको देनी है, बॉलर फिर ऐसे ऐसे देख रहा होता क्या करूं क्या करूं, माँ का जेस ढूंढ रहा होता है कि यार वो पास सोना रहेगा कि मेडल रहेगा होती का बच्चा। और मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, अगर विराट की वजह से ओलंपिक्स में क्रिकेट गई है ना, यही अगर क्रिकेट बाबर की वजह से गई होती ना तो इसने कहा था सबसे पहले तो मेरी फी बढ़ाए, उससे पहले मुझे छोटे मोटे ब्रांड नहीं चाहिए मुझे ब्रांड दें, फिर इसने कहा था मेरी बाजी के लिए रिश्ता को बड़ा होना चाहिए, पिछली को तलाक दिलवाए। और यार ये प्लेयर हमने कैप्टन भेजा, ये टीम हमने भेजी, मैं अल्लाह की कसम शर्त लगा तो इस टीम को भेजो मेरे गाँव की टीम से खेल ले, गाँव की टीम जीत जाएगी, या आप मुझसे शर्त लगा लो इसको भेजो, वो अल्लाह की कसम इनसे अच्छे प्लेयर है यार, अफगानियों से हार रहे हो आप, शर्म ही नहीं आती जरा गैरत नहीं।
ये नंबर वन बॉलिंग है, एक नसीम से इंजर हुआ पीछे में, बॉलिंग कोई नहीं मिल रही थी हमारी, हमारी टीम नहीं अनाउंस हो रही थी कि हमारे पास बॉलर कोई नहीं है और हम इस टीम पर हम वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, बैकअप भी तो कोई नहीं होता, तो हम फिर नंबर वन किस चीज के नंबर वन है, क्यों फिर हमें नंबर वन कहते हैं, एडमिट करना कि आप बेकार हो, बेकार हो गए, बेकार थे आप, जेन्युइन मैं आपको नहीं कर सकते, हम पाकिस्तानी हम ओन नहीं कर सकते, तो यार फिर शर्म भी तो आनी ना हमें आती कि हम फिर शर्ट पहन के, ना मुझे आती ना लोगों को आती है, अब मैं आपको बताऊँ क्या क्या बोलूँ यार मैं, हम कंपेरिजन करते हैं यार विराट से, बनता है हमारा नहीं भाई, नहीं बनता प्रोग्राम, मैंने यार खत्म कर दिया, नहीं बनता विराट से प्रोग्राम, विराट से कंपैरिजन नहीं बनता। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा से बात करके। व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी नीचे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।